ज्योतिर्लिंग की कथा केदारनाथ की कहानी सुनो। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ महादेव के विषय में कई कथाएं हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे वहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन यह भी मिलता है कि एक बहेलिया था जिस हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार यह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह बाण चलाता, सूर्य पूरी तरह डूब गया। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेंढक का नियत निगल रहा है। मृत होने के बाद मेंढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी कारण बहेलिया ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिया को अपने पाप कर्मों का स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिया ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के दो भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते थे। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा, जो तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा वर्तमान रहे। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब इन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुँचे तब वे वहाँ शंकर प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देखकर शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और वे भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगे, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार
नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहां भूमि में विलीन होने लगे, तब भैंस बने। भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरह से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिव की पूजा भैंस के पृष्ठ हर हर महादेव।